नमस्कार, मैं दीदी फौजर, आप देख रहे हैं हमारे साथ द नगरी न्यूज। भजनला सरकार द्वारा अवैध खान को लेकर राजस्थान में विशेष अभियान चल रहा है, लेकिन अवैध खान के नाम से सुर्खियों में रहने वाला गांव बहट की 4 घर भूमि अवैध खान के काला कारोबार के चलते अरबों रुपए का काटेज पत्थर चोरी होने से भारी नुकसान हो गया है। वहीं दूसरी ओर चोरी ऊपर से सीधा चोरी वाली बात की जा रही है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने पिछले दिनों जिला कलेक्टर को कागज पर 181 सहित अन्य लोगों के दस्तावेज करवाकर शिकायत की है, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। शिकायतों के बाद भी माइनिंग विभाग, जिला प्रशासन, उपखंड प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। इतना बड़ा काला कारोबार चलने के बाद कार्रवाई नहीं हुई है। माइनिंग विभाग, जिला प्रशासन, उपखंड प्रशासन की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए सुनते हैं कि ग्रामीणों ने क्या कहा। सब आते हैं, एक दो दफर थोड़े बहुत पैसे लेकर चले जाते हैं, बिल्कुल नतमस्तक हो चुका है। पैसे लेते हैं और बहुत जमा हो जाती है, जमा और चले जाते हैं। मतलब अधिकतर मतलब खनन को पत्थर पकड़े अवैध रोक रखे हैं, जो पंचायत से जो वो पहले मतलब पेड़ पौधे लगाए उनको भी दाब लिया, नाड़ियों को बूर दिया, और बहुत सी परेशानी आती है। हमारे 1000 गाय है जो चरने की कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो हमारी फसल भी बिगड़ती है। इसलिए हमारी नाराजगी है कि उनको मतलब सुचारू रूप से मतलब उनकी खनन नहीं करे, वो चरा पत्थर नहीं डाले।